हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ सेहत की हरियाली यानी कि सरसों का साग। पंजाबी सरसों का साग बहुत ही फेमस है, तो आइए आज हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पालक 200 ग्राम, बथुआ मैंने लिया है 200 ग्राम और ये कच्चे हैं अभी बिल्कुल ही, जो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ आती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है सरसों। तो सरसों की पत्तियाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से होती हैं, थोड़ी थोड़ी मूली की पत्तियों जैसी ये होती हैं। और यहाँ पे मैंने इसको हाफ के जी लिया है। इन तीनों सागों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किया है 4 से 5 बार। और अब इसको बारीक हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको एक प्रेशर कुकर में ले लेती हूँ, जिसमें हम इसको एक प्रेशर लगाएंगे जिससे कि ये साग जो है हमारा अच्छे से गल जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा 2 इंच और मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ जो थोड़ी बड़ी हैं। अब मैं इनको भी इसके साथ ही डालूँगी। इस कुकर के अंदर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च। आप तीखा अगर ज़्यादा खाना चाहें तो आप थोड़ा सा और 1-2 मिर्च एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, तो लगभग आधा कप पानी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि साग में भी पानी रिलीज़ होगा, इसलिए पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी जिससे कि कलर इसका ग्रीन रहे और ये अच्छे से गल जाए। अब प्रेशर का ढक्कन लगा के हम इसको 2 से 3 सीटी तक बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सीटी आ चुकी है, इसको ठंडा कर लिया है मैंने और आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये गल चुका है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ इसको मैश करने के लिए। तो हमें इसको बिल्कुल ही बारीक सा मैश करना है। आप चाहें तो मथानी का यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ, तो इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से साग हमारा बन के तैयार होता है। ये देखिए मैंने इसको मैश कर लिया है और अब मैं इसको बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मिट्टी की हांडी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है लगभग 2 टेबलस्पून और साथ में मैंने उसमें डाला है हींग 2 चुटकी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो यहाँ पे 1 हरी मिर्च मैंने बारीक कट किया है, 4 से 5 लहसुन लिए हैं उनको भी बारीक कट किया है, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने उसको भी बारीक कट किया है। तो पहले अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हम पका लेंगे। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल इसका टेस्ट रखने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं पर मैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट किया हुआ है। प्याज को हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। तो आप कभी भी सरसों का साग इस तरीके से बनाएंगे तो वो कभी भी कड़वा टेस्ट उसका नहीं आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी। तो आधा टीस्पून मैंने हल्दी लिया है और साथ में लगभग 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा और ये तीखा भी ज़्यादा नहीं होगा। तो आप जितना तीखा प्रेफर करें उसके हिसाब से मिर्च पाउडर का या हरी मिर्च का आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो देगी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा बिल्कुल गुलाबी हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को बारीक कट किया हुआ है, तो अभी देसी टमाटर मार्केट में खूब अच्छे से मिल रहे हैं, तो ये थोड़े जूसी भी होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे 3 टमाटर लिया हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से। आप अगर पहले सरसों का साग नहीं खाते होंगे तो आप खाने लगेंगे, इवन आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी पसंद ज़रूर करेंगे इसको। यहाँ पे हमारा टमाटर पक रहा है और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और इस रेसिपी आपको यहाँ तक थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए टमाटर हमारा लगभग पक चुका है। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है और अब बारी है सरसों का साग ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने जो घोट के साग रखा हुआ है उसको ऐड कर देती हूँ।
बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसको मिक्स कर देते हैं टमाटर के साथ। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मक्के का आटा। तो 2 चम्मच मैंने मक्के का आटा लिया है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है हमें। ये मेज फ्लोर जो आता है, आप थोड़ा सा इसका कलर पीला होता है, तो हमें वो मक्के का आटा लेना है और वो ही हम इसमें मिक्स करेंगे। इसी से इसका जो टेस्ट है आपकी सरसों का साग, वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो जब भी सरसों का साग बनाएं, आप 2 चम्मच उसमें जो मक्के का आटा है वो ज़रूर मिलाएं। यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही धीमी आँच पे ये हल्के हल्के से पक रहा है और बिल्कुल ट्रेडिशनली जो सरसों का साग बन के तैयार होता है, उस तरीके का इसका टेक्सचर आने लग गया है। तो आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी पीस के बना सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए मैंने मैशर का यूज़ किया है और ये साग हमारा कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो इसको मैंने दोबारा से ढक दिया है और इसको मैं फिर चेक कर लूँगी बीच में। तो यहाँ पे देखिए, ये साग हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और इसकी हरियाली भी जो है वो कम नहीं हुई है और इसका कलर भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप जब भी कहीं ढाबे पे रुकते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में सरसों का साग मंगा के खाते हैं, तो वो जिस तरीके से बनाते हैं वही मैंने आपको ये तरीका बताया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। 1 हरी मिर्च ले रही हूँ, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ जिनको बारीक कट किया हुआ है, और 1 सूखा लाल मिर्च मैंने लिया है जिसका मैं यहाँ पर तड़का तैयार करूँगी। तो हमें लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, हल्का सा गुलाबी करना है। और अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। इससे आपका सरसों का साग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर इस बार सर्दियों में ट्राई करिए। अभी खूब सरसों का साग, बथुआ, पालक, आप चाहें तो मेथी भी डाल सकते हैं। तो अभी मार्केट में बहुत ईजली और बहुत ही फ्रेश मिल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये प्लेट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से भी डाल देती हूँ तड़का। तो इसको आप मक्के की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ खाइए, या आप सिंपल गेहूं के आटे की रोटी के साथ भी खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस विंटर इसको मिस मत करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी विंटर्स।